नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुंदरी अशोका सिरप के बारे में, जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि किन किन बीमारियों में इसका किया जाता है, और जानेंगे इसके प्राइस रेट के बारे में और इसके कंपोजिशन के बारे में भी जानेंगे, और इसकी डोज के बारे में तथा साइड इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, बात करें सुंदरी अशोका सिरप के बारे में, तो दोस्तों इस सिरप को नारी का सुरक्षा चक्र इस नाम से भी जाना जाता है इस सिरप को। और यह सिरप आयुर्वेदिक सिरप होती है। यह सिरप महिलाओं से संबंधी रोगों तथा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यह सिरप महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिरप होती है। दोस्तों, बात करें सुंदरी अशोका सिरप के यूजेज के बारे में, तो दोस्तों इसका यूज़ महिलाओं से संबंधित समस्याओं में किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, इस सिरप के सेवन से महिलाओं में प्रदर रोग, पिंडली में दर्द या पेड़ों में दर्द या बच्चेदानी में सूजन या नलों में सूजन या महीना दर्द होकर आना, इन सभी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका यूज़ दिल घबराना या भूख न लगना, काम में न लगना या जी मचलना या चेहरे पर दाग धब्बे या झाइयाँ और चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन सभी समस्याओं में दोस्तों इस सिरप का यूज़ करते हैं। और बात करें सुंदरी अशोका सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें निम्नलिखित इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अशोका है, लोध है, अर्जुन है, हरद है, बहरा है और मकोई है, अश्वगंधा है, शतावरी है, आंवला है, गुड़ची है और सौंठ है, गोखरू है और भी कई प्रकार के इन्ग्रीडियंट इस सिरप में प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों, बात करें इस सिरप के प्राइस रेट के बारे में, तो दोस्तों इसका प्राइस रेट मात्र 150 रुपये है। यह सिरप आप किसी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। और बात करें इसके डोज के बारे में, तो दोस्तों एक एडल्ट पर्सन इस सिरप को 10 ml सुबह और शाम ले सकता है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक सिरप होती है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर देखने को मिलते हैं। अगर आपको इस सिरप के सेवन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और इस सिरप की ओवरडोज को नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप सुंदरी अशोका सिरप के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग पेज का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप दोस्तों सुंदरी अशोका सिरप के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी डिटेल में जान सकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।